हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैरियन और जर्मेनिया के ऊपर बेस्ड है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो तो उसके बारे में एक नोट या एक शॉर्ट नोट बोल सकते हो, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो दिस इज़ ए क्वेश्चन, हु वर मैरियन एंड जर्मेनिया। तो मैरियन और जर्मेनिया थे कौन, एंड वॉट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेट। उनकी जैसे पोर्ट्रेट बनाई गई थी, उनकी जैसे इमेज बनाई गई थी, उसका इम्पॉर्टेंस क्या था। तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से हम देखेंगे डिटेल में, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलेगरी का मतलब क्या होता है? एलेगरी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी एक आइडिया हो, कोई भी एक फीलिंग हो, फॉर एग्जांपल फ्रीडम, लिबर्टी, ये एक आइडिया है। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, लिबर्टी का भी मतलब होता है फ्रीडम ही, ठीक है। और ग्रीड, जैसे कि ग्रीड हो गया, फियर हो गया, लालच, अगर हम ये सब चीज़ फीलिंग को, कोई भी फीलिंग को, अगर हम किसी एक पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाते हैं जो कि एक पर्सन का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उसको हम बोलते हैं एलेगरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो आर्टिस्ट थे उस टाइम के, वो फीमेल एलेगरी बनाए थे, यानी कि सिंबलाइज करते थे किसी भी एक चीज़ को फीमेल के रूप में, कि मान लो ये एक फीमेल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को यूनिटी में रहना है, तो यूनिटी की एक रिप्रेजेंटेशन दे दिए, एक सिंबल दे दिए उसको, जिसका नाम वो लोग रख दिए मैरियन, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, भारत माता, ये हम क्या कर दिए, एक सिंबल दे दिए कि एक भारत माता है, वो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया की यूनिटी को। तो वैसे ही ये लोग भी एक आर्टिस्ट जो थे उस समय के, वो क्या किए, एक फीमेल, इमेजिनरी फीमेल का पेंटिंग बना दिए जो, और उसको रिप्रेजेंट कर दिए कि ये हमारी यूनिटी की होगी, ये हमारे यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में आर्टिस्ट जो थे वो फीमेल एलेगरी बनाते थे टू पोर्ट्रे आइडियाज़। क्या आइडियाज़ वो लोग आइडियाज़ क्या देना चाहते थे, उसके तरीके, मतलब उसके थ्रू वो आइडिया क्या देना चाहते थे, लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। फ्रीडम, जस्टिस और रिपब्लिक का आइडिया वो लोग देना चाहते थे। सम फीमेल एलेगरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट। तो वैसे ही दो एलेगरी थे जिनका नाम है मैरियन और जर्मेनिया, जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो 19th सेंचुरी में इनका पोर्ट्रेट बनाया गया था, उनको इन्वेंट किया गया था। तो फ्रेंच में जो थी वो थी क्रिस्टन मैरियन। तो क्रिस्टन मैरियन वहाँ एक क्रिश्चियन का कॉमन नेम है, जो कॉमन नाम दे दिए कि ये हमारी एक एलेगरी रहेगी और इसका नाम रहेगा मैरियन, ठीक है। एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। जो आइडिया क्या दे रही थी, जो कौन सा आइडिया दे रही थी, कि ये जो नेशन है वो लोगों का नेशन है, पीपल्स नेशन, मतलब यहाँ पर लोगों का रूल चलेगा, लोगों के मर्जी से काम होगा, जहाँ मेजॉरिटी होगी लोगों की वहाँ से काम होगा, वैसा काम होगा। तो जो एलेगरी बनाई गई थी उनमें क्या क्या चीज़ें थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी, तो क्या क्या चीज़ थी, एक थी रेड कैप, जो वो रेड कैप पहनी रहती थी मैरियन, और एक ट्राई कलर होता था उसके हाथ में, ट्राई कलर यानी कि फ्रांस का जो फ्लैग है वो, जिसमें कलर कौन सा होता है, ब्लू, रेड एंड वाइट। एंड उसके पास जो था एक कोकेट था, कोकेट का मतलब होता है एक बैच टाइप का, एक बैच टाइप का होता है जो एक कैप में लगा होता है या जो ड्रेस में लगा हो, तो उसको बोलते हैं कोकेट। जो रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या, लिबर्टी एंड रिपब्लिक को, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टैचूज ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स। तो जो स्टैचू था इसका मैरियन का, वो पब्लिक स्क्वायर यानी कि जो पब्लिक का एरिया होता था वहाँ पर इरेक्ट किया गया, खड़ा किया गया। क्या ये खड़ा इसलिए किया गया, ताकि जो पब्लिक है उनको रिमाइंड करा सके कि ये एक सिंबल है, एक नेशनल सिंबल है, यूनिटी का, ये एक यूनिटी का सिंबल है, ठीक है, जो कि लोगों को याद दिलाएगा कि हमें यूनिटी में रहना है,
और ये जो है हमारी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो मैरियन इमेज वह मार्क्ड, और कहाँ कहाँ मार्क किया गया, ये इमेज को कॉइन्स और स्टैम्प्स में मार्क किया गया। तो इसका इमेज भी मैं दिखाऊंगी अभी, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं। सिमिलरली जो जर्मेनिया थी वो एलेगरी बनाई गई कहाँ की, जर्मन नेशन की, जर्मन नेशन की बनाई गई जर्मेनिया, ठीक है, और फ्रेंच की बनाई गई मैरियन। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो क्या पहने रहती थी, वो ओक लीव्स का क्राउन पहने रहती थी। तो ओक लीव्स जो है वो स्टैंड होता था हीरोइज्म के लिए, ठीक है, उसका मतलब होता था हीरोइज्म, मतलब वो रिप्रेजेंट करता था, ओक लीव्स जो था वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैरियन और जर्मेनिया का वो सिंपल था कि वो एक इमेजिनरी पीपल थे, जैसे हमारी भारत माता को एक इमेजिनरी गॉडेस के रूप में देखा जाता है, तो वैसे ही उनके नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक इमेजिनरी पोर्ट्रेट एक पर्सन को बनाए थे जो उनके लिबर्टी को, उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो दिस इज़ द ओक लीव्स, तो ओक लीव्स आप देख सकते हैं इमेज में, ये ओक लीव्स है, और ये मैरियन जो ऊपर में लगा हुआ है वो कोकेड है जो बैच टाइप का है, और रेड कैप, ठीक है। फिर ये जर्मेनिया का है जो ओक लीव का एक क्राउन पहनी हुई है, ये जर्मेनिया, और ये स्टैम्प है जो स्टैम्प में हम उसका फ्रेंच का स्टैम्प है जहाँ पर मैरियन का इमेज लिया गया था, यूज़ किया गया था, ठीक है। ये है मैरियन, और ये कॉइन्स है जो कॉइन्स इसमें भी मैरियन का इमेज यूज़ किया गया है। तो इस वीडियो में यही था, आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय।